आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। पुदीना, पुदीना को घर में गमलों में कैसे उगाया जाता है। मिंट ल्यूस, आप सभी को पता है मिंट ल्यूस या पुदीना हम हिंदी में कहते हैं, जिसका उपयोग क्या है और ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। एक बहुत ही अच्छा हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदा में इसका बहुत बड़ा स्थान है। जैसे आप सब लोग जानते हैं पुदीना हम हर दिन हर घरों में इस्तेमाल करते हैं। पुदीना उगाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लोग समझते हैं पुदीना बहुत ही मुश्किल से उगता है, मैं भी कहता हूँ पुदीना बहुत ही मुश्किल से उगता है, मैं ये भी कहता हूँ पुदीना बहुत ही आसानी से भी उगता है। सिर्फ आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आपको पूरी प्रक्रिया हम समझाएंगे। ऐसी प्रक्रिया आपको कभी कोई समझा नहीं सकता है और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पुदीना उगा करके सक्सेसफुल रिजल्ट पाओगे। दोस्तों, पुदीना उगाने के दो मौसम होते हैं, एक है सितंबर से अक्टूबर तक, दूसरा है फरवरी से जून तक। आप कतई मानसून में बरसातों में पुदीना न उगाइएगा तो ही बेहतर है, क्योंकि बरसातों में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और मिट्टी आपको सूखी नहीं मिलेगी तो आपके पौधे गलने हैं और आपको सक्सेस रेट बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी। तो मिट्टी के बारे में अगर बोलें तो मिट्टी जो सॉइल मिक्सचर होगी, 50% सॉइल मिक्सचर में आपको कंपोस्ट और कोकोपीट मिलाना है। कोकोपीट अगर आपके पास नहीं है आप रेड ब्रिक पाउडर मिला सकते हैं या सैंड मिला सकते हैं, रिवर सैंड, और 50% गार्डन सॉइल। तो इस बुरबुरा सॉइल मिक्सचर में आपको ये कटिंग्स उगाने हैं। याद रखिएगा आपको बिल्कुल ज़्यादा पानी देना नहीं है, ना ही आपको चिपचिपाहट वाली मिट्टी में इन कटिंग्स को उगाने हैं। अगर आपने ये स्टिकी या चिपचिपाहट वाली मिट्टी में स्टेम्स उगाएं, ये कटिंग्स उगाएं, आपके स्टेम्स 100% गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपने जैसे इस मिट्टी में ये कटिंग्स को उगाया, जो मार्केट में मिलता है आपको वही कटिंग्स को लाने हैं और उन्हीं कटिंग्स को उगाने। तो आपने कटिंग्स उगाए, उसके बाद आपको पानी देना है सिर्फ एक बार। एक बार पानी दे दिया और ड्रेनेज होल से पानी निकल आया, उसके बाद आपको इस गमले को 7 दिनों तक छाया में रखना है। उसके बाद ही आपको उस गमले को बाहर निकालना है। अगर गमले में की मिट्टी, ऊपरी मिट्टी अगर सूखी दिखती है, उसके ऊपर आप स्प्रे बोतल से छिड़काव करिएगा। आपको पानी मतलब ज़्यादा मात्रा में देना नहीं है, सिर्फ स्प्रे बोतल से। जब भी आपको पानी कम लगता है आप स्प्रे करिएगा। ये देखिए, ये अभी 20 दिनों के बाद का नतीजा है। अगर हम फर्टिलाइजर के बारे में बात करें, डीकंपोज्ड गोबर खाद आपको लेना है एक मुट्ठी भर। अगर आपका गमला छोटा है, जैसे मैंने छोटा गमला लिया 6 इंच का, एक मुट्ठी भर आप डीकंपोज्ड गोबर खाद ले लीजिएगा। 2 दिनों तक पानी में भिगो के रख दीजिएगा। उसके बाद जो पानी निकलता है उसको आप 50-50, 50% मतलब लिक्विड फर्टिलाइजर और 50% सादा पानी मिलाइएगा और मिक्सचर को आप अच्छी तरह से गमले में डाल दीजिएगा।
पुदीना को बहुत कम पानी लगता है। आप 2 दिनों के बजाय 3 दिनों में एक बार पानी दीजिएगा, आपके पुदीना के पौधे नहीं मरेंगे। 30 दिनों में आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। उसके बाद आपको एक बार प्रूनिंग करना है। जैसे आप प्रूनिंग करते जाओगे, आपका गमला खिल उठेगा, आपके पौधे खिल उठेंगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देगा। ये देखिए 1 महीने के बाद का ये नतीजा है। 1 महीने के बाद हमारे पौधे इतने हो गए। हमने अभी तक कटिंग नहीं की है, अभी हम कटिंग करेंगे, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाएंगे। ये देखिए ये 35 दिनों के बाद इसका कटिंग किया हुआ है, उसके बाद ऐसे ये खिले हुए हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स। जब भी आप मिंट लीव्स पुदीना को ग्रो करने का प्लान बनाते हो, एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप कटिंग्स लोगे, ये देखिए ऐसे हरे हरे स्टेम्स नहीं लेने आपको। ये जो है हरा है और बहुत ही नरम किस्म का है, ये उगने वाला नहीं है, ये गल जाएगा, सड़ जाएगा और आपका जो प्लांटेशन फेल हो जाएगा। आपको लेना है, ये देखिए ये मरून टाइप, ब्लैकिश मरून, ये देखिए डार्क कलर वाला स्टेम जो होता है, ये थोड़ा सा कड़क होता है और ये उग जाएगा। दूसरी बात, जब भी आप मिंट लीव्स को उगाओगे, आपको सारे पत्ते निकालने होंगे। ये है हमारा पुदीना उगाने का तरीका। मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है, अभी आप आजमाइएगा और आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। और एक बार आप एक गमले में पुदीना उगाओगे तो आपको पूरे साल तक, साल, 2 साल, 3 साल, आप जब तक उसको वो उन पौधों को गमले में से निकालोगे नहीं, तब तक आपको वो पुदीना देता रहेगा। हफ्ते में एक बार आप आराम से निकाल सकते हो। ऐसे अगर आपने 2 गमले छोटे छोटे 2 पॉट्स अगर रख दिए, तो आपको कभी भी मार्केट में से पुदीना लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक में से आपने आज काट दिया और अगले 4-5 दिन 4 दिनों में दूसरा तैयार हो जाएगा। ये पहला वाला, उसके बाद 3-4 दिनों में 4-5 दिनों में तैयार हो जाएगा। मतलब हफ्ते 10 दिनों में आपका गमला तैयार हो जाता है। आपने हमारी ये वीडियो देख ली, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गई तो आप शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।